अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज घर का पक्का में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में आप खुद आटा गूंद के अपनी मर्जी की समोसा और रोल शीट किस तरह बना सकते हैं। ये बनाना बेहद आसान है, इसको कोई बनाना मुश्किल नहीं है। बस 10-15 मिनट लगते हैं। आपके पास 1 किलो या आधा किलो मैदा होना चाहिए और उसको आप गूंद के तो झटपट ये पट्टियाँ घर पर रेडी कर सकते हैं। और आपका कोई मैदा कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, जो साइडों से कटिंग के दौरान वेस्ट निकलता है उसकी आप इस तरह बेहतरीन सी पापड़ी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ये क्रिस्पी पापड़ी बन के रेडी होती है। ये भी आपकी ज़ाया नहीं जाती, आप इसको चाट वगैरह में और दही भल्लों में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्राई कर लें और जो साफ साफ पट्टियाँ हैं अपनी पसंद के साइज़ की आप काट लें। तो आइए आपको बताते हैं इस समोसा और रोल शीट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ झटपट घर में। समोसा पट्टी बनाने के लिए ये हमने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम मैदा, यानी कि ये आधा किलो मैदा है। जब भी आप मैदा लेके आएं या बेसन या सूजी, उसको आप अच्छे से छान लें। इसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है, ये आधा किलो है। इसमें शामिल करेंगे हम 1 पाव पानी है हमारे पास, नॉर्मल जो पानी होता है, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी है 1 पाव, यानी कि 250 ml। उसमें शामिल करेंगे हम 1 teaspoon जितना नमक, इसी पानी में शामिल कर लेंगे हम, और 1 tablespoon इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये 1 tablespoon ऑयल है, ये भी इसी पानी में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये पानी ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा किलो मैदा है, जितना मैदा है उससे आधा ये पानी है। इस पानी से हम मैदे को अच्छी तरह सॉफ्ट डो लगाएंगे, नरम आटा गूंदेंगे जिस तरह रोटी का गूंदते हैं। ये नमक ऑयल और पानी को अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने, इसी पानी से हम ये आटा लगाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल के हम बिल्कुल नरम आटा लगाएंगे, जिस तरह रोटी के लिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नरम नहीं, बस नॉर्मल सा आटा लगाएंगे। इसको लगाने के लिए इतना ही पानी काफी होगा, बस गूंदने के लिए 2-3 tablespoon पानी की जरूरत पड़ सकती है हमें। ये देखिए, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसका एक नरम आटा लगाना है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त आटा अगर होगा तो फिर रोटियां बेलने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये मैदा है तो ये सुकड़ सुकड़ जाता है, शिलिंग हो के जाता है, तो इसलिए इसका बहुत सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना है। ये देखिए, ये सारा पानी इसके अंदर चला गया, ये बिल्कुल मैंने सारा डाल दिया। अब इसको नरम हाथों से इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, ये सारा पानी जो है इसके अंदर चला गया। अब हम इसको ऐसे गूंद लेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद के हम इसको 15-20 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कितना नरम आटा है। बस इसी तरह का हमें गूंदना है। ये देखिए, इतना नरम आटा हमने इसका लगा लिया है। इसके ऊपर हल्का सा हमने ऑयल वाला हाथ लगा दिया है ताकि ये आटा ऊपर से ड्राई ना हो, इसके ऊपर एक पपड़ी सी जो जमती है वो ना जम जाए, और इसको पॉलीथिन से इस तरह कवर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो आटा है वो बहुत अच्छा सा सेट हो जाए, और फिर हम इसकी समोसा या रोल पट्टी बनाना शुरू करेंगे। ये देखें, आटे को यहाँ पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसके ना छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो तवा है वो किस साइज का है। जितना बड़ा आपका तवा है उसी हिसाब से आपने पेड़े लेने हैं। मेरे पास चूंकि तवा जो है वो काफी हैवी बॉटम और 12 इंच का है, तो इसलिए मैं 75-80 ग्राम का एक पेड़ा लूंगी। और मैं अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रेडी कर लेती हूँ, इस तरह इसके छोटे छोटे, इतने इतने इसके मैं जितनी तकरीबन पूरी होती है उस पूरी के साइज के मैं पेड़े बना के यहाँ रखती जाती हूँ। ये देखिए, हमने पेड़े सारे बना लिए हैं। इतने आटे के टोटल 10 पेड़े बने हैं। अब हम 5-5 रोटियों की लेयर लगाएंगे। हम पहले रोटियां बेल लेंगे, पहले 5 रोटियां बेल लेंगे, उसको ऑयल और मैदा छिड़क के उसकी लेयर बनाएंगे। तो हम रोटियां बेलना शुरू करते हैं। इस तरह हम ना इसको पेड़ा लेके तो इसकी छोटी छोटी रोटियां इस तरह बेल लेंगे।
यहाँ पे हमने रोटियां बेल ली है, तो अब हम इनको ऑयल से ब्रश करेंगे। इनके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। ऑयल आपने अच्छी तरह लगाना है किनारों तक, घी नहीं लगाना, ऑयल लगाना है। देखिए इस तरह एक रोटी को ऑयल लगाएंगे, उसके ऊपर इस तरह मैदा छिड़क लेंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे, किनारों तक इसको बराबर कर देंगे। जो दूसरी रोटी हमने ऊपर रखी है, इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे इसी तरह। इसके ऊपर भी मैदा छिड़केंगे और तीसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। तीन हो गई। इस तीसरी रोटी पे भी इसी तरह हम लगा देंगे। ऑयल जरा अच्छा लगाएं ताकि इसकी लेयर जो है वो खुलने में आसानी रहे। फिर मैदा डस्ट करेंगे। ये चौथी रोटी इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। चौथी रोटी के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। पांच या छह रोटियों से ज्यादा ना आप लगाएं, क्योंकि फिर वो ज्यादा मोटी हो जाती है। तो फिर पांच रोटियां जो हैं वो स्टैंडर्ड है, ज्यादा से ज्यादा आप छह कर लें। इसके ऊपर ये लास्ट वाले रख देंगे, ये रोटी। ये देखें इस तरह, ये पांच रोटियों की हमारी एक जो लेयर है वो मुकम्मल हो गई। इसी तरह हम दूसरी रोटियां भी बेल लेंगे। ये जो साइड हमने तवे पे पकानी है, उस साइड पे हमने ना ऑयल लगाया है ना मैदा। ये देख लें, ये अंदर वाली जो तहें हैं उनके ऊपर मैदा भी है और ऑयल भी है। इसी तरह इसको ये देखें, ये देखें, इसको साइड पे करके कवर करके रख देते हैं ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो, इसके ऊपर पपड़ी ना आए। तो इसी तरह बाकी की जो पांच रोटियां वो भी बेल के उनकी भी लेयर लगा लेते हैं। ये देखिए कि दोनों जो लेयर हैं हमने रेडी कर ली हैं। पांच रोटियां ये हैं और पांच रोटियां ये हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके इस तरह किसी बर्तन से इसको रेस्ट पे रखेंगे और फिर बेल के इनकी हम बनाएंगे पट्टियां। ये देखें यहाँ पे अब हम रोटियों को बेल लेते हैं। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये इन रोटियों को पहले हम हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर इसको बेलन से चला के तो इसको बड़ा कर लेंगे। आटा आपका नरम होना चाहिए, वरना जो ये मैदा होता है ये सुकड़ सुकड़ के जाता है, तो इसलिए फिर इसको बेलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अब हम इसको बेल लेंगे। आपने इसको किनारों से बेलते हुए एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, फिर तभी आपकी जो पट्टियां हैं वो एक साइज की बनेगी। ये ना हो कि आपने किधर से मोटी रोटी बना ली है किधर से पतली बना ली है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तवा हमारा बहुत अच्छी तरह गर्म है, ये देखें। हमने इसको कुक नहीं करना, बस इसको हमने इसके ऊपर इसको हल्का सा 30 से 40 सेकंड के लिए इसको पकाना है। इस तरह आप चेक कर ले, ये देखें, इसको घुमाते जाएं। जब एक साइड से थोड़ी सी डन हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें। और आप इसको घुमा घुमा के आपने इस तरह ऐसे एक एक करके ये देखें पट्टी निकाल लेनी है और इसको साइड पे रखते जाना है। अब दूसरी साइड से आप इधर से कर लें और इधर से भी आप पट्टी इस तरह निकाल लें, ये देखें। जब आप पट्टियां निकालें तो नीचे फ्लेम जो है वो तवे का ऑफ कर दें, ये देखें। इसी तरह हम ये जो तीसरी है, थोड़े आपके हाथ तो जरूर जलेंगे लेकिन ये है कि पट्टियां निकल आएंगी। हल्के हाथों से इसको खींच के हम अलग कर लेंगे।
चलो ये देखें, ये भी निकल आई। अब इसकी भी साइड चेंज करके ये जो रोटी है ये भी अलग कर लीजिए। ये देखें इसको किनारों से बेल लेंगे हम। आप इस तरह हाथ से इसको चेक कर लेना है कि ये एक जैसी है, कहीं से मोटी पतली ना हो, फिर बड़ी आपकी अच्छी जो पतली पतली जो है ना वो निकल के आएंगी पट्टियां। और आपने ये भी देख लेना है कि आपके तवे का साइज क्या है, उसी हिसाब से आपने पेड़ा बनाना है और उसी हिसाब से आपने रोटी को बड़ा करना है। ये दूसरी रोटी भी डाल दी हमने, इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा डन करेंगे। ये देखिए ये रोटी भी हमारी अलग हो गई, इस तरह हम दूसरी साइड से इसको अलग कर लेंगे। ये आखिरी रोटी है हमारी, इसको भी हम अब अलग कर लेंगे। बहुत एहतियात से अलग करें, ये पतली पतली शीट है क्योंकि ये जरा जोर के खींचने से ना ये फट भी सकती है। ये देखें मैं इसको कितने प्यार से अलग कर रही हूँ। कि ये फटे भी नहीं, इसको एक साइड से थोड़ा सा और कर लेंगे। चले हमारे सारी शीट बन के रेडी है, अब हम इनको ठंडा करेंगे और फिर इनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मुझे इसमें से कुछ रोल की पट्टियां निकालनी थी और कुछ समोसे की, तो मैं रोल की जो शीट है वो गोल निकाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से कटिंग कर ले जिस तरह आपको जरूरत हो। ये देखिए, ये देखिए ये सारी मैंने जो रोल की शीट है वो अलग कर ली हैं, कहीं से अगर जुड़ी हुई हो तो उनको अलग कर ले, छुरी पास रखें। ये देखें ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज्यादा ये साफ सुथरी और नीट बन के रेडी हुई है। इसी तरह मैं इसमें से भी जो है वन बाइट निकालूंगी समोसा, और बाकी जो हमारे पास ये वेस्ट बचेगा इसकी हम बड़ी जबरदस्ती पापड़ी रेडी करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी ये रोल पट्टियां और समोसा पट्टियां बन के रेडी हैं। ये देखें ये वन बाइट समोसा बहुत मजे का बनता है, इसमें आप कच्चा कीमा ऐड करके इसको यूं घुमा के यूं आप बनाते जाएं। ये देखें इस तरह, और यहाँ से आप इसको सील कर दें। ये वन बाइट समोसा बहुत मजे का बनता है, और ये 3x3 की जो हमारी शीट है ये बन गई, ये हमारी गोल वाली है। अच्छा इसको आप चौकोर भी कट कर सकते हैं, ये जो जिसको मैंने गोल बनाया है, क्योंकि गोल जो है इसका रोल बनाना ज़रा आसान है। ये देखें ये आप इसको चौकोर में भी कट कर सकते हैं, घर में बनाएं बेहद शानदार बनती हैं। तो चलें देखिए माशाल्लाह हमारी ये पट्टियाँ बन के रेडी हैं, आप भी ये बनाएं, रमजान शुरू होने से पहले घर में पट्टी बनाएं। मजे की बात यह है कि कोई पट्टी आपकी जाया नहीं जाती, खराब नहीं होती। बाजार से अगर आप लेके आते हैं ना तो उसमें से आधी तो खराब ही निकल आती है। ये देखें ये सारी आपकी पट्टियां जो हैं, ये देखें एक एक पट्टी जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन है। आपको समोसा बनाने में भी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी पट्टियां शानदार बनी होगी तो। ये देखें कितनी ज्यादा बन के रेडी हुई है, खुद आपके अपने हाथ की बनी हुई साफ सुथरे तरीके से आपने खुद आटा गूंद के बनाई है। 1 किलो मैदे से ये इतनी ज्यादा बन गई है, बाजार से लेके आए तो ये 700-800 रुपए की मिलेंगी। 10 से 15 मिनट की मेहनत से आप ये शानदार पट्टियां घर पे बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप पट्टियां बनाएंगे ना तो आपकी पट्टियां बिल्कुल इसी तरह बनेंगी, नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी और बहुत ही पतली पतली। ये देखें, और आपको मेरी रेसिपी अगर आज की अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।